क्या आपने कभी ऐसी तितली को देखा है जो कि एक पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है? और क्या आपने कभी ऐसी फिश को देखा है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है और इसी के साथ ही साथ वो मिट्टी में ऐसे छिप जाती है जिसे देख पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है? तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे इनविजुअल एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। और इसी टॉप 10 इनविजुअल एनिमल्स की लिस्ट में एक ऐसा क्रिएचर भी है जो कि एक टूटी हुई लकड़ी पर बैठ के बाद दिखाई ही नहीं देता है कि ये कोई लकड़ी है या कोई जीव। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, टॉप 10 इनविजुअल एनिमल्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है लेप्टोसेफलस। गाइस, अब में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मछली जब अंडे देती है तो उन अंडों में से बस कुछ बच्चे ही सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि बाकी के बच्चों को कोई और मछलियां या दूसरे बड़े जानवर खा जाते हैं। लेकिन लेप्टोसेफलस समुद्र का एक ऐसा जीव है जो कि खुद को छिपाने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। ये जीव एक ऐसा जीव है जो कि देखने में बिल्कुल मछली की तरह लगता है लेकिन ये कोई मछली नहीं है। जब ये अंडों से बाहर निकलते हैं तो इन्हें दूसरे समुद्री जीवों से बहुत ज्यादा खतरा होता है, लेकिन अंडे से बाहर आते ही इनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये बच्चे 3 महीने तक ऐसे ही ट्रांसपेरेंट रहते हैं। जब ये 3 महीने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि ये अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। ये एक ऐसी सर्वाइवल टेक्निक है जो कि इन्हें नेचुरली मिलती है जिसका इस्तेमाल करके ये जीव लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं। सोचने की बात ये है कि इनकी पूरी बॉडी जहाँ तक कि ऑर्गन्स भी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं जिससे ये पानी में दूसरे बड़े जीवों को दिखाई भी नहीं देते हैं। नंबर 9 पर है लीफ इंसेक्ट। गाइज, अगर आपको स्टैचू बनने को दिया जाए तो आप बिना हिले कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं? हम में से 99% लोग थोड़ी ही देर में हिलने लगेंगे क्योंकि हम अपनी बॉडी पर इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन लीफ इंसेक्ट एक ऐसा जीव है जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। इन्हें देखकर तो कोई भी इंसान धोखा खा जाए क्योंकि ये बिल्कुल पत्ते की तरह दिखाई देते हैं। ये जब भी किसी पेड़ के पत्तों पर बैठे होते हैं तो नॉर्मली लोग इन्हें नहीं पहचान पाते हैं कि ये कोई पत्ता है या कोई जीव। एक्चुअल में ये बहुत से जंगली जानवरों और पक्षियों का फेवरेट फूड है, इसीलिए इसे अपनी लाइफ बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। जरा भी खतरा महसूस होने पर ये बिल्कुल स्टैचू बन जाता है जिससे कि इन्हें कोई देख ना पाए। ये एक हार्मलेस इंसेक्ट है और इनका खाना पीना पेड़ों पर आने वाले फलों से होता है। ये अपनी पूरी लाइफ पेड़ों और पत्तों पर ही गुजार देते हैं और इनके बच्चे भी बहुत ही कम मूवमेंट करते हैं। नंबर 8 पर है लीफ टेल्ड गीको। गाइस, अगर आप इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन छिपने वाला जीव कहें तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि ये पेड़ों पर इस तरह से छिपता है कि इसे ढूंढ पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। इसे पेड़ पर ढूंढने के लिए आपकी आंखें बिल्कुल तेज होनी चाहिए तभी आप इसे पेड़ पर ढूंढ पाएंगे। ये अजीब सी दिखने वाली छिपकली मेडागास्कर आइलैंड पर पाई जाती है और ये बहुत से अलग अलग कलर्स में भी पाई जाती है। ये पेड़ पर लगे सूखे पत्तों की तरह दिखाई देती है जिससे इसे पेड़ पर ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये गीको एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर्स भी चेंज कर सकती है। गीको की इसी इनविजुअल पावर की वजह से इसे खाना ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता बल्कि इसका खाना खुद इसके पास चल के आता है क्योंकि छोटे मोटे कीड़ों को ये इसके ऐसा कलर होने की वजह से दिखाई भी नहीं देती है जिससे ये उन कीड़ों का शिकार करती है और अपना पेट भरती है। नंबर 7 पर है पिग्मी सी हॉर्स। समुद्र में जितने भी छोटे क्रिएचर्स होते हैं उन्हें सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी बड़ा जीव इन्हें आसानी से अपना शिकार बना सकता है। पिग्मी एक बहुत ही छोटा सा सी एनिमल है जो कि इतने छोटे होते हैं कि इनका साइज सिर्फ 2 सेंटीमीटर का ही होता है। तो फिर आप अब खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एनिमल कितना छोटा होता होगा। ये सी क्रिएचर जापान, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। ये समुद्र में 10 से 40 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। ये जानवर छिपने में इतना एक्सपर्ट होता है कि इसे इंसान तो दूर जानवर तक नहीं देख पाते हैं। ये अपनी ज्यादातर लाइफ सी प्लांट्स पर ही गुजारते हैं और ये अपनी बॉडी का कलर और शेप इस तरह से कर लेते हैं जिस तरह से प्लांट का कलर और शेप होती है। इसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। अगर आप प्लांट को हाथ में भी पकड़ लेते हो तो भी ये क्रिएचर आपको दिखाई नहीं देगा। जब साइंटिस्ट ने इस क्रिएचर को ढूंढा था तो उन्हें लगता था कि ये सिर्फ 2 कलर ही बदल सकता है, येलो विद ऑरेंज वर्म्स और ग्रीन विद रेड वर्म। लेकिन 2014 में 2 बेबी पिग्मी सी हॉर्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया और एक पर्पल सी प्लांट को एक्वेरियम में रखा गया। सरप्राइजिंगली इन्होंने भी अपना कलर पर्पल कर लिया जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट
साइंटिस्ट भी शॉक्ड हो गए। नंबर 6 पर है ईस्टर्न स्क्रैच आउल। ये आउल बहुत ही एक चालाक शिकारी है जो कि किसी भी सूखे हुए पेड़ पर बैठकर इनविजिबल हो सकता है। जब ये किसी पेड़ पर बैठे होते हैं तब इसके पंखों की वजह से इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और अगर इसे गौर से ना देखा जाए तो इसे कोई देख भी नहीं पाएगा, और जहाँ तक कि इसकी आंखें भी इसके बैकग्राउंड से मैच हो जाती हैं। जब ये इस तरह से किसी पेड़ पर बैठे होते हैं तो बड़े बड़े बर्ड वॉचर्स भी इस आउल को नहीं देख पाते हैं, और ये आउल सूखे पेड़ पर ही बैठना पसंद करते हैं और उसी पेड़ पर अपना घोंसला भी बनाते हैं। नंबर 5 पर है डेकोरेटर क्रैब। इस केकड़े को स्पाइडर डेकोरेटर क्रैब के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये दिखने पर बिल्कुल स्पाइडर की तरह ही लगता है। ये क्रैब कैलिफोर्निया, थाईलैंड, फिलीपींस, मालदीव्स, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी पाए जाते हैं। बायोलॉजिस्ट के हिसाब से ये क्रैब बहुत से सी एनिमल्स के लिए एक बहुत ही टेस्टी फूड है, इसीलिए इस क्रैब का शिकार करने के लिए बहुत से बड़े सी क्रिएचर्स घूमते रहते हैं। लेकिन इसकी बॉडी बहुत ही अनयूजुअल होती है। इसकी पूरी बॉडी पर बहुत से अजीब से बाल होते हैं। इसे देखने के बाद कोई इसे पहचान भी नहीं पाएगा कि ये कोई जानवर है। ये देखने में बिल्कुल एक प्लांट की तरह लगता है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ देखने का ही प्लांट हो। इनकी मदद से ये क्रैब अपना कलर भी चेंज कर सकता है। जैसे ही ये किसी प्लांट के पास जाता है थोड़ी देर के बाद ही ये डिसअपीयर हो जाता है क्योंकि ये खुद का कलर उस प्लांट की तरह ही कर लेता है। इसीलिए इस क्रैब को समुद्र में देखना लगभग नामुमकिन है। नंबर 4 पर है द डेविल स्कॉर्पियन फिश। इस फिश को स्टॉर्म फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये मछली देखने में बहुत ही अजीब और डरावनी लगती है। इस मछली की प्रजाति का नाम डेविल्स है जिसका मतलब शैतान या डेविल्स होता है, जो कि इस फिश को देखने के बाद इसका फेस बिल्कुल डेविल्स की तरह ही लगता है। इस फिश के गायब होने का तरीका बहुत ही यूनिक है। ये फिश जहाँ पर भी बैठती है वहाँ के आसपास का कलर और जहाँ तक कि उस जगह के पैटर्न्स भी अपनी बॉडी पर कॉपी कर लेती है, और इस फिश के शरीर पर दूसरे फिश की तरह ही पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसकी सुरक्षा के काम आते हैं। ये खुद को छिपाकर इसलिए रखती है जिससे कि ये खुद को दूसरे समुद्री जीवों से बचा सके, और जब इसको खतरा महसूस होता है तो ये अपने कलरफुल फिन्स को बाहर निकाल लेती है जिससे कि शिकारी को डराकर भगा सके। इस फिश का जहर इतना खतरनाक नहीं होता है कि ये किसी इंसान की जान ले सके। नंबर 3 पर है द बफ टिप मॉथ। गाइस, ये बफ टिप मॉथ दुनिया के सबसे ज्यादा इनविजिबल होने वाले क्रिएचर्स में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनका शेप बिल्कुल एक कटी हुई लकड़ी की तरह दिखाई देता है। जो आप अभी इस क्रिएचर की वीडियो और फोटोज देख रहे हो, इसे देख के ज्यादातर लोग एक लकड़ी ही समझे होंगे, लेकिन ये कोई लकड़ी नहीं है बल्कि एक इंसेक्ट है। इसके आगे और पीछे का कलर ही ऐसा है जिसे देखते हुए लगता है कि ये कोई कटी हुई लकड़ी है। ये ज्यादातर गार्डन और जंगल में ही पाए जाते हैं, और ये जून जुलाई के महीने में ज्यादा दिखाई देते हैं। ये पूरी सर्दियां किसी पेड़ के अंदर छिपके ही गुजारते हैं। इसके पर भी होते हैं, जब ये अपने पर को खोलता है तो इसे आसानी से देखा जा सकता है। नंबर 2 पर है द राइट एड फ्लाउंडर। फ्लाउंडर एक फ्लैट फिश की तरह है जो कि एक बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट फिश होती है। इस फिश को पानी में तैरते समय इसके आर पार देखा जा सकता है, और ये फिश ज्यादातर समुद्र के तल में पाई जाती है, इसीलिए ये इतनी ज्यादा फ्लैट होती है। और ये ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ मिट्टी में खुद को भी छिपा लेती है जिससे कि कोई बड़ा जीव इसे ना देख पाए। इसकी इसी एबिलिटी की वजह से फ्लाउंडर को देख पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, और इसी की वजह से ये अपने शिकार को भी आसानी से पकड़ पाती है। जब एक फ्लाउंडर का जन्म होता है तो ये खुद ही एक लार्वा होता है, लेकिन अडल्ट एज तक पहुँचते पहुँचते इसका साइज बड़ा हो जाता है। ये समुद्र के तल में तैरते तैरते बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर सकती है। तो गाइज, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है ओक लीफ बटरफ्लाई। गाइज, आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारी तितलियों को देखा होगा, लेकिन आपने इस इनविजुअल तितली को कभी नहीं देखा होगा। जब आप इसको पहली बार देखोगे तो ये आपको सिर्फ एक सूखा हुआ पत्ता ही लगेगा, क्योंकि ये तितली है ही ऐसी जो कि देखने पर बिल्कुल एक सूखे हुए पत्ते की तरह लगती है, लेकिन ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही रेयर बटरफ्लाई है। इस तितली को जंगल में ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि जंगल में पहले से ही बहुत से टूटे हुए पत्ते जमीन पर गिरे रहते हैं, और ये तितली अगर उन पत्तों में बैठ गई तब तो इसे ढूंढना आपको और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये तितली नेपाल, चाइना, भूटान, थाईलैंड और वियतनाम में भी पाई जाती है। इस तितली के पंख बाहर से तो सूखे हुए पत्ते की तरह लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही कलरफुल और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। वैसे गाइज, आपको इन टॉप 10 इनविजुअल एनिमल्स में से सबसे बेस्ट एनिमल या क्रिएचर कौन सा लगा, और क्या आपने इन सभी एनिमल्स में से किसी भी एक एनिमल को अपनी रियल लाइफ में देखा है, ये मुझे नहीं
नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी दुनिया के 10 ऐसे इनविजुअल एनिमल्स के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।